आइए इधर ना। बस ये फड़े कोना मास पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कुशल जल बनाने लागे अब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा घन घन मंगल आरत भाग विधाता जय जय हे सर बताएंगे जी जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है आज इस रिपब्लिक डे के अवसर पर इस पर्व पर तमाम देशवासियों को और विशेष तौर कठुआ निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस रिपब्लिक डे पे यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मार्ग पर आदरणीय प्रधानमंत्री साहब इस देश को जिस मार्ग पर लेके जाने की जो उनकी चेष्टा है जो उनकी कल्पना है और भारत विश्व गुरु बने ये हम सब देशवासियों का एक सपना है उस सपने की तरफ हम साकार होते दिख रहे हैं। आज के इस पर्व पर आज के इस रिपब्लिक डे पर तमाम देशवासियों को एक बार पुनर्बधाई देता हुआ सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री श्री राजीव जसरोटिया जी के यहाँ कार्यालय में यहाँ पूरी धूमधाम से और पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया है। इस शुभ अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को कठुआ वासियों को सभी लोगों को दिल की गहराइयों से गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उन सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने इस कोविड के दौर में और देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन जो निछावर किए हैं उनको भी हम यहां नमन करना चाहेंगे शुक्रिया चाहेंगे। गणतंत्र दिवस पर पीआर ऑफिस कठुआ में श्री राजीव जसरोटिया जी जो पूर्व मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे झंडा फहराया गया और आज का दिन बहुत शुभ दिन है। शुभ इसलिए कि आज के दिन के लिए जो हमारे क्रांतिकारी भाई जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी और इस देश की आन बान शान के लिए जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी आर्मी हमारी बेल्ट फोर्स जितने भी जवान हैं वो बॉर्डर पे डटे हुए हैं। अगर वो बॉर्डर पे हैं तो हम सुरक्षित अपने घरों में रह रहे हैं तो इस दिन का इसलिए भी महत्व है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारा देश खुशहाल हो और तरक्की की और चले यही कामना लेके आज सबको बहुत बहुत इस कार्यालय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर साढ़े नाल साढ़े पूर्व मंत्री श्री राजीव सोटिया के नाल अज ही झंडा जड़ा वो फहराया है। अज इस गणतंत्रता दिवस के उपर सारे देशवासियों और कठुआ वासियों बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हें भी जेडे अज सीमा पर साढ़े जवान डटे दे हैं साड़ी देश की सुरक्षा वास्ते मैं उन्हें भी उनकी तरफों भी सारे ही बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देना जय हिंद। 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पीआरओ ऑफिस में हमारे पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया जी की अध्यक्षता में यहाँ पे एक झंडा फहराया गया। हम पूरे भारतवर्ष को पूरे देश को पूरे हमारे समाज को जितने भी हमारे आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस के जवान हैं जो बॉर्डर पे हैं हम उनको भी नमन करते हैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से पूरी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको।